कुछ प्लेयर्स माइनक्राफ्ट में ऐसे होते हैं जो कि लोगों को पता नहीं कि वे एग्जिस्ट भी करते हैं, जैसे कि ये और ये। और क्या आप जानते हैं इस ब्लॉक को कैसे लिया जाता है? पर आज हम लोग कलेक्ट करने वाले हर एक इलीगल ब्लॉक, स्टार्ट करेंगे हम इजी के साथ और लास्ट में कुछ ऐसे ब्लॉक कलेक्ट करने वाले हैं जिसके बारे में आज तक आपने सुना भी नहीं होगा। एंड बहुत से कमेंट्स के अनुसार भाई डीप सिलर टेमरल्ड और काफी रेयर होता है, बट वो मेरे पास ऑलरेडी है और सेम कोल और के साथ भी है। और यहाँ तक कि भाई इसकी तो मेरे पास भाई चेस्ट में पड़े हैं काफी सारे। अब आप ये कहेंगे कि भाई सनोई ग्रास उससे रेयर होता है, भाई वो ब्लॉक भी मेरे पास ऑलरेडी है। सो हमारा पहला ब्लॉक होने वाला है एक हेडलेस पिस्टन, और हर बार जब हम बेडरॉक तोड़ते हैं तो एक कुछ सेकंड्स के लिए बनता है, पर आज हम लोग एक बनाने वाले हैं एक परमानेंट हेडलेस पिस्टन। सो इसके लिए हमें चाहिए भाई पिस्टन, लीवर, रेस्टोन और ऑब्सीडियन और एक एंड क्रिस्टल भी। अब फटाफट भाई ये थोड़े लगाते हैं ऑब्सीडियन, तो हमें बीच में लगा दिया और दो ऑब्सीडियन और दोनों तरफ हम लगा देंगे पिस्टन्स। अब हमें इसके पीछे लगाने भाई एक लीवर, अब हमें लगाना है एक हैंड क्रिस्टल और भाई अब यहाँ पर एक फायर लगा देनी है। और अब हम जैसे ये प्रेस करेंगे ना, अब ये देखो भाई ये फूट चुका है। और ये देखो भाई हमने क्रिएट कर दिया एक हेडलेस पिस्टन, इसे हमें हमेशा के लिए एक्टिवेट करना है। तो हम फटाफट ऐसा करते हैं, इसके नीचे ना हम रेस्टोन लगा देते हैं ताकि हमेशा के लिए एक्टिवेट रहे। अगर हम इस लीवर को हटा भी देते हैं, देखो भाई अभी भी ये एक हेडलेस पिस्टन है। और इसी के साथ हमारे पास आ चुका है पहला इलीगल ब्लॉक। अब बनी आती है हमारे दो नेक्स्ट इलीगल ब्लॉक की। वो ब्लॉक ऐसे ब्लॉक है जिनको भाई ना ही सेल्टर्स की मदद से लिया जा सकता है और ना ही किसी अदर तरीके से, एक्सेप्ट अगर तुम्हारे पास कॉबवेब है। तो वो होने वाले हैं सस्पिशियस सैंड और सस्पिशियस ग्रेवल। सस्पिशियस सैंड के लिए हमें या तो भाई ट्रेल रुइंस जाना पड़ेगा या फिर जाना पड़ेगा हमें ओशन रुइंस वगैरह में, और सस्पिशियस सैंड के लिए जाना पड़ेगा हमें एक डेजर्ट टेम्पल में। तो फटाफट भाई पहले भाई सस्पिशियस सैंड को ढूंढते हैं, और मुझे ट्रायल रुइंस का पहले ही पता है भाई कहाँ पर है क्योंकि मैं पहले ही बहुत सारा एक्सप्लोर कर चुका हूँ, तो उस टाइम मिला था। फटाफट चलते हैं, अब फटाफट हम भाई उसके आसपास से माइन कर लेंगे और भाई नीचे की तरफ लगा देंगे हम वो वेप दो तीन, आई थिंक हो ही जाएगा दो तीन में। और अब जैसे ही भाई मैं इस ब्लॉक को तोड़ूंगा ये नीचे की तरफ आ जाएगा और 30 सेकंड के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा एक नॉर्मल ब्लॉक में। मतलब नॉर्मल तो नहीं, मतलब होगा तो सस्पिशियस ग्रेवली, बट ये एक ब्लॉक के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा जिसको हम इजीली अपनी इन्वेंटरी में ले सकेंगे। अब फटाफट भाई इसको एक और ले लेता हूं मैं ऐसा ही, और ये देखो भाई हमारे पास आ चुकी है सस्पिशियस ग्रेवल। एंड इसी तरह हमें लेनी है भाई सस्पिशियस सैंड भी, और फटाफट चलते हैं डेजर्ट टेम्पल ढूंढते हैं। और हम डेजर्ट टेम्पल में आ चुके हैं और यही से हमें सस्पिशियस सैंड मिलने वाली है, बट यहाँ पर पहले भाई मैं नीचे चेक करके आता हूँ भाई कुछ अच्छा मिल जाए। एज यूजल भाई यहाँ पर सामान अच्छा मिलना बंद ही हो गया भाई, पता नहीं क्यों मेरी किस्मत में तो है ही नहीं। तो ऐसा करते हैं भाई फटाफट ना सस्पिशियस सैंड उठाते हैं और फिर चलते हैं। और भाई इसी के साथ हमारे पास सस्पिशियस सैंड भी आ चुकी है और सस्पिशियस ग्रेवल भी, और दो इलीगल ब्लॉक हमारे इन्वेंटरी में आ चुके हैं। और नेक्स्ट इलीगल ब्लॉक कलेक्ट करने से पहले भाई मैं लेने जा रहा हूँ भाई एक स्नीफर एग, क्योंकि आगे के इलीगल ब्लॉक कलेक्ट करने के लिए स्नीफर एग की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। तो फटाफट ना चलते हैं और भाई थोड़े ओशियन रुइंस वगैरह और वार्म ओशियन में भी चलते हैं और वहाँ पर भाई ढूंढते हैं स्नीफर एग।
भाई एक तो मिल गया है, अभी हमें और भी चाहिए एक और, ताकि हम ब्रेडिंग करा सके और हमारे पास आ सके और भी ज्यादा स्लीपर्स। अब आ रही है हमारे दो नेक्स्ट खतरनाक ब्लॉक्स की। पहला तो है भाई एक वूल, नॉर्मल वूल नहीं भाई, एक पिंक शिप से मिला हुआ वूल, क्योंकि पिंक शिप के आप जानते हो स्पॉन होने के चांस तो भाई 0.16% ही है। एंड फटाफट चलते हैं और ले लेते हैं वो पिंक शिप से वूल। और आपको पता ही होगा भाई पिंक शिप तो मेरे पास ऑलरेडी है, मुझे एक एपिसोड के दौरान मिल गई थी रैंडमली, आज उसका काम आ जाएगा। अब फटाफट इसे ले लेता हूँ और ये हमारे पास पिंक वूल। एंड नेक्स्ट इलीगल ब्लॉक होने वाला है एक डायमंड ब्लॉक, कोई नॉर्मल डायमंड ब्लॉक नहीं बल्कि एक नेचुरली स्पॉन डायमंड ब्लॉक। हाँ ये पॉसिबल है और ये सिर्फ मिलता है वुडलैंड मेंशन में और इसके स्पॉन होने के चांस भाई बहुत ज़्यादा कम है। तो फटाफट भाई जितने उसके ना उतने वुडलैंड मेंशन ढूंढते हैं, क्योंकि पहले तो वुडलैंड मेंशन भी रेयर होता है। पहले में नहीं है, दूसरे में भी नहीं है और ये तीसरा भाई वो है मेंशन। और अब देखते हैं भाई इसमें भी है या नहीं। ये रहा भाई देखो इसमें अंदर है, ये रहा भाई, ये आपको दिख रहा है ना ऑब्सिडियन का बना हुआ और इसके अंदर लावा है, इसके अंदर होता है वो। फटाफट इसको निकाल लेते हैं। और इसी के साथ हमारे पास आ चुका है एक और रेयर आइटम। नेक्स्ट इलीगल आइटम लेने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि जो हमारा नेक्स्ट अपडेट है 121, तो उसके अंदर हमारा अपडेट प्रेशन वगैरह सब कुछ खराब हो जाएगा। तो उससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जितना उसके ना उतनी एक्सपी ले, बट उससे पहले मैं ऐसा करता हूँ कि हर एक टूल का एक एक शल्कर बॉक्स बना लेता हूँ, ताकि इन फ्यूचर अगर मुझे जरूरत पड़े तो मुझे एक्सपी हमारी वेस्ट ना करना पड़े। तो फटाफट ना विलेजर से टूल लेते हैं और फटाफट से उनको इंचांट करते हैं, उसके बाद हम सीधा ही फार्म पे चलेंगे ताकि हम अपनी एक्सपी भाई जितनी उसके उतनी ज्यादा कर सकें। तो टूल्स तो खरीद लिए हमने, बट अभी इनको इंचांट करना बाकी है। तो फटाफट विलेज से बाय करता हूँ और सीधा ही आपको इंचांट करने के बाद मिलता हूँ। सो फाइनली काफी घंटे की मेहनत के बाद हमारे पास आ चुके हैं हर टाइप का टूल, वो भी इंचांटेड, मतलब मैक्स ऑफ इंचांटेड है। अब बस इसको नेदराइट करना है, वो कभी इन फ्यूचर कर ही लेंगे। बट इस काम करते करते मेरी एक्सपी देखो भाई 19,000 से ऑलमोस्ट 20,000 थी, उससे भाई सीधा 17,000 के करीब आ गई है। और भाई मुझे मेरी एक्सपी काफ़ी कम हो चुकी है, तो ऐसा करता हूँ कि मैं दोबारा से चलता हूँ अपने फार्म पे और वहाँ पर एक लंबा सा एएफके सेशन करता हूँ, ताकि भाई मेरी एक्सपी उसके जितनी मैं चाहता हूँ, ऑलमोस्ट मैं सोच रहा हूँ 30,000 के करीब कर रही हूँ। तो फटाफट चलते हैं फार्म पे और एएफके करना स्टार्ट करते हैं। और ये रहा हमारा फार्म जो कि हमारा अपडेट्स प्रेशन से चलता है, और एक हाथ में मेरे फर्नेस है और एक हाथ में हमारी पिकेट्स। तो जैसे ही मैं इसको ब्रेक करना स्टार्ट करूँगा तो हमारे पास आना स्टार्ट हो जाएगा
अनलिमिटेड एक्सपी गोल्ड पार्टिकल आएंगे जो भाई एक एक्सपी से कई गुना ज्यादा होते हैं और हमारे पास आने स्टार्ट हो जाएगी काफी ज्यादा अमाउंट में एक्सपी। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली काफी बड़े एएफकी के बाद हमारे पास आ चुकी है टोटल 30,000 से भी ज्यादा एक्सपी। और भाई ये बहुत ज्यादा एक्सपी होती है, अगर आप अगर लेना भी चाहो 30,000 एक्सपी तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये कितनी होती है। अब स्टार्ट करते हैं हमारा मेन इलीगल काम जो हमें करना है, तो वो भाई सभी ग्लो इलीगल यहाँ पर ही बनने वाले हैं, यहाँ पर ही हम स्टोर करने वाले हैं क्योंकि इस जगह को डेकोरेट भी हो जाएगी साथ में। तो फटाफट भाई यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो पहले भाई मैं चलता हूँ स्पॉन पे और भाई थोड़े मटेरियल कलेक्ट करके आता हूँ क्योंकि यहाँ पर बिल्ड करना और बार बार आना जाना लगा रहेगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो फटाफट मैं चलता हूँ और सारा सामान एक बार कलेक्ट करके मिलता हूँ आपसे। हमारे पास सभी आइटम आ चुके हैं, फटाफट से ना इलीगल ब्लॉक को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे विद फर्स्ट ब्लॉक जो कि हमारा हेडलेस पिस्टन, उसी से। एंड ये बन चुका हमारा हेडलेस पिस्टन और इसी के साथ आ चुका हमारा पहला इलीगल ब्लॉक इन कलेक्शन। अभी 34 आइटम्स रिमेनिंग है तो भाई उनके लिए हमें प्लेटफॉर्म भी बनाना पड़ेगा। फटाफट भाई एक बार प्लेटफॉर्म बना लेते हैं ताकि आपको भाई वो आइटम भी दिखते रहे जिनको हम प्लेस कर रहे हैं और वो जगह भी। प्लेटफॉर्म बनकर तैयार हो गया, अब इस पे ऐड करते हैं हमारे दो नेक्स्ट रेयर ब्लॉक जो कि है पिंक शिप कबूल और एक है नेचुरली स्पॉन डायमंड एंड ऑल्सो सस्पिशियस ग्रेवल और सस्पिशियस सैंड। देयर वी गो, हमारे 5 ब्लॉक कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको ये पता लगाना है कि ये मैं नो टेक्सचर ब्लॉक कैसे लूंगा तो उसके लिए आप वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो पर आती है हमारे नेक्स्ट ब्लॉक्स की जो कि है फ्लोटिंग वाटर और फ्लोटिंग लावा। आप लोग कहेंगे कि भाई ये तो इम्पॉसिबल चीज है, ये कैसे हो सकता है कि ये हवा में तैरे, लेकिन भाई मेरे लिए भाई कोई भी टास्क मुश्किल नहीं है। तो फटाफट एक रेस्टोरेंट का कंट्रैप्शन बनाते हैं और आपको फटाफट दिखाता हूँ। अब हमें यहाँ पर प्लेस करना है वाटर, वह हमें यहाँ के सारे लीवर्स वगैरह प्लेस किए थे ऑफ करने हैं। अब सभी स्लाइम हटा देने हैं और लास्टली हमें जितना भी बदल रह गया है ना वो सभी रिमूव करना है। एंड लुक एट दैट, ये देखो भाई पानी हवा में लटका हुआ है। एंड इसी के साथ हमारा एक और रेयर ब्लॉक बन चुका है। अब फाइनली हम लावा के साथ सेम चीज करते हैं फटाफट। एंड इसी के साथ हमारे दो और इलीगल ब्लॉक आ चुके हैं एंड हवा में लटके हुए भाई देखो कितने ज्यादा खतरनाक दिख रहे हैं। एंड अब पर ये आती है भाई खतरनाक आइटम्स की जिनको भाई मैं लेने वाला हूँ अपडेट एक्सप्रेशन की मदद से और यहाँ से सभी चीजें भाई क्रेजी होने वाली है क्योंकि मैं यूज करने वाला हूँ इन ग्लिच सल्कर बॉक्स का। एंड इसको मैंने बनाया था जब मैंने कलेक्ट की थी अपने लिए 20,000 एक्सपी। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी तो भाई प्लीज वीडियो को देखो। अब आप ये पूछे कि अपडेट एक्सप्रेशन क्या होता है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अपडेट एक्सप्रेशन गेम को बेसिकली ट्रिक करता है और इसकी मदद से हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि ये देखो भाई मैं यहाँ पर ये डर्ट लगा रहा हूँ और इसके पीछे लीवर एंड हम जैसे ही डर्ट को तोड़ेंगे ये देखो भाई लीवर हवा में रुका हुआ है। इस तरह हम गेम को ट्रिक करने वाले और बनाने वाले हैं कुछ इलीगल ब्लॉक्स। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अब हमें इस अपडेट एक्सप्रेशन को यहाँ से और लास्ट के छोर तक पहुँचाना है और एग्जैक्ट सेम दूसरी तरफ से भी करना है। तो इसको बिट बाय बिट एक्सटेंड करना स्टार्ट करते हैं। हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए और उसके ऊपर चाहिए हमें बुक एंड क्वील और ट्रैप डोर एंड कंपैरेटर फेसिंग करते हुए इस तरफ
अब हमें ट्रैप डोर को ओपन करना है एंड हमें अब ब्रेक करना लैक्टन और इसकी जगह भाई हमें रखना है सल्कर बॉक्स, और सल्कर बॉक्स तो यहाँ पर काफी पहले से रखे हुए हैं तो ये रिप्लेस कर दिए। एंड ये बन चुका हमारा एक और अपडेट सप्रेशन का सल्कर बॉक्स, एंड सेम इसी तरह हमें इसको आगे भी एक्सटेंड करना है तो फटाफट से मैं एक्सटेंड कर लेते हैं। एंड मैंने इसको एक्सटेंड कर लिया है। अब भाई मुझे इलीगल ब्लॉक बनाने के लिए क्या करना है, हमें करना है हमें यहाँ पर प्लेस करना है एक लाइलिक एंड एक रोज बुश, एंड इसको हमें करना है अपडेट स्प्रेशन बॉटम से कंपैरेटर का यूज करके। अब हमने इसको नीचे से तोड़ना है दोनों को और नीचे डिफ्लेट लगा देना है। एंड भाई देखो भाई दो और इलीगल ब्लॉक भाई देखे आपने ऐसे भाई हवा में झूलते हुए फूल, एंड इसी के साथ हमारे दो इलीगल ब्लॉक भाई बनकर तैयार हो गए हैं। एंड सेम तरीके से हमें सर्कल सप्रेशन को भाई दूसरी तरफ भी करना है। एंड ये हो गया, एंड सेम चीज मुझे इन दोनों फूलों के साथ भी करनी है। एंड ये तो भी हो चुके हैं हमारे इलीगल आइटम्स, तो इसी के साथ हमारे 35 में से 11 इलीगल ब्लॉक आ चुके हैं। एंड नेक्स्ट ब्लॉक के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दो शल्कर बॉक्स का सप्रेशन एक साथ करना पड़ेगा तो फटाफट कर लेते हैं कुछ ऐसे। अब भाई यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है इसको भी रिप्लेस कर लेते हैं। एंड ये हो चुका हमारा डबल शल्कर बॉक्स सप्रेशन। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे मैं बनाता हूँ ग्लिच ग्लास। तो सबसे पहले मैं दो नॉर्मल ग्लास पेन रख लेता हूँ। अब हम रिप्लेस करने हैं कंपैरेटर फॉर अपडेट सप्रेशन, अभी हमें इसको तोड़ देना है। और अब कहोगे कि आप भाई ये तो भाई टूट के नॉर्मल हो गया, बट नहीं, पर जैसे ही मैं यहाँ पर एक ब्लॉक रखता हूँ और अभी इसे तोड़ता हूँ, एंड गेम तो सोच रहा है कि भाई साइड में एक ग्लास पेन अभी भी है, लेकिन भाई वो ग्लास पेन है नहीं और ये बन जाता है एक ग्लिच ग्लास पेन। एंड नेक्स्ट इलीगल ब्लॉक के लिए मैं बना रहा हूँ ट्रिपल अपडेट सप्रेशन ऑफ सल्कर बॉक्स। अभी यहाँ पर मैं प्लेस करता हूँ तीन फेंसेज एंड इसके पीछे तीन कंपैरेटर। अब इसको तोड़ो और इसको भी, एंड यहाँ पर ब्लॉक लगा के इसको भी। एंड भाई अब गेम सोच रहा है कि भाई फैंस आपस में कनेक्टेड है बट वो कनेक्ट नहीं है, एंड इसी के साथ ये बन जाता है एक इलीगल फैंस। एंड मैंने सेम चीज रिपीट की विद आयरन बार और वॉल, एंड वॉल तो ऐसे दिख रही है भाई जैसे कोई वर्टिकल स्लैब हो। एंड नेक्स्ट इलीगल ब्लॉक थोड़ा कूल होने वाला है तो इसके लिए भाई मुझे पहले एक पिस्टल लगाना है और उसको एक्टिवेट करना है। अब भाई यहाँ पर कंपैरेटर लगाना है और अब इसको तोड़ना है, एंड ये बन गया हमारा पिस्टल लेस हेड। एंड अब हमारे पास भाई हेडलेस पिस्टन भी है और पिस्टल लेस हेड भी है। एंड अब मैं बनाता हूँ एक और पिस्टल लेस हेड बट अब की बार विद द ट्विस्ट, एंड जिसके लिए मुझे घर जाना पड़ेगा। एंड देयर वी गो, अब हमारे पास आ चुका है एक नाइड्राइट ब्लॉक और एक डायमंड ब्लॉक। एंड अब भी हम बना सकते हैं हमारा पहला डायमंड पिस्टन, और सेम चीज मैं नेदराइट के साथ भी कर रहा हूं। एंड ये बन चुका है हमारा पहला नेदराइट पिस्टन इन हिस्ट्री। एंड देखो भाई ये कितने खतरनाक और कितने कूल दिख रहे हैं भाई दोनों के दोनों पिस्टन। सो हमें नेक्स्ट आइटम के लिए हमें चाहिए पहले पैड, अब इसको कर दिया प्लेस, अब इसको करेंगे स्प्रेस। एंड ये बन चुका है हाफ पैड। आपने अब तक भाई कभी भी देखा होगा कि कोई हाफ बेड है, लेकिन भाई आज हमने क्राफ्ट कर लिया है। एंड सेम उस तरह पब बनाएंगे एक हाफ डोर, एंड लुक एट दैट, ये बन चुका हाफ डोर। एंड देन हमने एक बनाई लॉक चेस्ट, बस हमने क्या किया हमने भाई सल्कर की जगह एक चेस्ट रिप्लेस कर दी। लेकिन अब बनाएंगे हम एक हाफ चेस्ट, वो कैसे अब दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले हमें भाई डबल चेस्ट प्लेस करनी है, अभी इसे लगाना है भाई इसके कंपैरेटर। अब हमें एक तरफ से इसको तोड़ देना है और अब प्लेस करना है हमें यहाँ पर ब्लॉक। एंड अभी तो ये नॉर्मल हो गई है, हमें एक बार क्या करना है, हमें लॉग आउट करना है और फिर अब लॉग इन करना है। एंड लुक एट दैट, ये बन चुकी है एक हाफ चेस्ट। एंड आगे के ब्लॉक के लिए मैं यूज करने वाला हूँ दोबारा से फ्लावर, एंड ये काफी इजी है, पहले भी मैं कर चुका हूँ, लेकिन पहले हमने सिर्फ ऊपर वाला पार्ट का यूज किया था, अब हम सिर्फ नीचे वाले पार्ट का यूज करेंगे और बनाएंगे इसको भी एक इलीगल ब्लॉक। एंड लुक एट दैट भाई, वहां पर हमारे सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा है और यहाँ पर सिर्फ नीचे वाला हिस्सा, ये दोनों अलग अलग सेपरेट है।
तो ये बन चुके हैं इलीगल ब्लॉक। एंड नेक्स्ट है हमारे सबसे सिंपल आइटम्स, जो कि एक फ्लोटिंग लीवर और एक फ्लोटिंग लैडर लाइक दैट। ये देखो हवा में है दोनों। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन अब आगे के ब्लॉक थोड़े और खतरनाक होने वाले हैं। कुछ ऐसे ब्लॉक जो भाई कभी हवा में ठहर नहीं सकते, आज उनको भी हम हवा में करने वाले हैं। जैसे कि एक कैक्टस, एंड भाई कैक्टस नीचे से कुछ ऐसा दिखता है। और नेक्स्ट इलीगल आइटम कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पर ब्लॉक प्लेस करना है और इनके ऊपर दोनों के ऊपर टॉर्च लगानी है। एंड जैसे ही मैं इसको रिमूव करूँगा, ये देखो भाई हवा में अब टॉर्च है, और सेम मैं दूसरी तरफ भी कर रहा हूँ। एंड ये डन। अब बारी आती है भाई सबसे खतरनाक आइटम की, जो कि है क्रॉप। वो कहोगे आप क्रॉप तो भाई नॉर्मल होती है, लेकिन लुक एट दैट भाई, ये है एक फ्लोटिंग क्रॉप। एंड सेम मैं इस दूसरी क्रॉप के साथ भी कर रहा हूँ। एंड ये हो गए। एंड भाई हमारा नेक्स्ट आइटम है एक ड्रिपस्टोन, जो कि हवा में है, ये लाइक दैट। एंड ये हवा में ड्रिपस्टोन। एंड इसी के साथ हमारे मोस्ट ऑफ द इलीगल आइटम कंप्लीट हो जाते हैं। बस एक फाइनल आइटम रहता है, जो कि है नो टेक्सचर ब्लॉक। बट उस फाइनल ब्लॉक को लेने से पहले मैं एक और ब्लॉक को लेना चाहता हूँ, जो कि है एक स्नोई ग्रास ब्लॉक। आपको कहोगे भाई स्नोई ग्रास तो मेरे पास पहले से है, बट क्या करे भाई, उसको अब तक मैंने प्लेस नहीं किया। तो यहाँ पर एक खुद ही इससे बनाता हूँ मैं अपडेट स्पेशल से, ताकि मैं यहाँ पर प्लेस कर पाऊँ और आपको दिखा पाऊँ। तब तक बट लास्ट बार वो बना लेते हैं। यहाँ पर का कंपैरेटर अफसरों को तोड़ देते हैं। और अब आप कहेंगे कि भाई ये तो नॉर्मल ब्लॉक हो गया ग्रास का, बट नहीं। जैसे देखो भाई मैं साइड में ब्लॉक प्लेस करता हूँ, ये बन जाता है हमारा स्नोई ग्रास ब्लॉक, जो कि हमारे वर्ल्ड में प्लेस भी किया गया है। एंड ये बन चुके हैं हमारे सभी इलीगल ब्लॉक, जो कि हम इस वर्ल्ड में कलेक्ट कर सकते थे। एंड लास्ट ब्लॉक लेने से पहले मैं एक काम करता हूँ भाई, इस जगह को ना डेकोरेट कर देता हूँ, क्योंकि भाई ये ऐसे ना खुला खुला एरिया अच्छा नहीं लग रहा। ऐसे करता हूँ, इसको 2 मिनट के अंदर भाई एक अच्छा सी लुक देता हूँ। एंड रूम बनकर तैयार हो गया, आप मुझे कमेंट करके बताना कि भाई अब ये बनने के बाद भाई कैसा लुक बन रहा है। तो अब चलते हैं भाई फाइनल ब्लॉक की तरफ, जो कि है नो टेक्सचर ब्लॉक। और उसको लेने के लिए हमें जाना पड़ेगा 1.9 में। एंड सीधे ही हम लोग आ चुके हैं 1.9 में। अब हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा भाई गियर अप वगैरह करना है, ताकि हम फाइट वगैरह कर पाए, क्योंकि तो हमें तभी वो नो टेक्सचर ब्लॉक मिलेगा। एंड हम गियर अप हो चुके हैं। अब ऐसा करना है कि हमें ढूंढना है एक डेजर्ट बायोम। फाइनली भाई 15 मिनट चलने के बाद अब मुझे कोई डेजर्ट सा मिला है छोटा सा। इसे शुरू कर है भाई, ये कैक्टस है। हाँ भाई, ये कैक्टस की मदद से ही हमें वो मिलने वाला है एक नो टेक्सचर ब्लॉक। और यहाँ पर भाई एंडरमैन भी है, तो फटाफट हमारा काम और भी आसान हो गया। तो ऐसा करते हैं कि भाई इन एंडरमैन को ना गड्ढे में लगाते हैं, और अब हमें यहाँ पर भाई कैक्टस को बनाए। एंड सिर्फ हमें यहाँ पर अब AFK करना है, जब तक कि भाई ये एंडरमैन ना इसको ना पकड़ ले। भाई फाइनली एंडरमैन ने इसको पकड़ लिया। अब फटाफट से ना एंडरमैन को मारते हैं। एंडरमैन मर चुका है। और ये देखो भाई हमारा नो टेक्सचर ब्लॉक इन माइनक्राफ्ट सर्वाइवल फाइनली हमारे पास ही आ चुका है। एंड भाई अगर आपको ये पसंद आया हो तो नो टेक्सचर ब्लॉक भी, तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस ब्लॉक को लेने में भाई कितनी हालत ख़राब हुई है। ये एक ऐसा ब्लॉक है जिसको हम अपने ओवर वर्ल्ड में नहीं ले जा सकते, इसीलिए इसको इसी वर्ल्ड में छोड़ देते हैं और चलते हैं अपना ओवर वर्ल्ड में।
सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसी धमाकेदार वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती हैं। तब तक के लिए मैं आपसे मिलता हूँ। ओवर द ईयर माइनक्राफ्ट में बहुत सी आइटम ऐड की गई है, पर सभी की सभी यूजलेस है। जैसे कि डायक एल्प का ब्लॉक ही देख लो, इसका आज तक मुझे ये नहीं पता चला कि भाई इसका क्या काम है माइनक्राफ्ट में। तो आज इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए कलेक्ट करने वाला हूँ मैं सभी इनलीगल आइटम जिसके बारे में माइनक्राफ्ट में किसी ने सुना भी नहीं होगा। स्टार्ट विद मल्टी शॉट क्रॉसबो, एंड इसको लेने के लिए जाना पड़ेगा हमें 3D शेवर अपडेट के अंदर। एंड ये वर्जन सभी माइनक्राफ्ट के वर्जन से बिल्कुल ही अलग है। तो फटाफट उस एन्चेंटेड क्रॉसबो ढूंढना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उसके स्पॉन होने के चांस सिर्फ 1% है। तो फटाफट ढूंढना स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली हमें क्रॉसबो मिल चुकी है। भाई से कुछ ज्यादा ही टाइम लगा दिया। और अगर आप ये सोच रहे हो कि ये काम करती है नहीं, तो आप ये देखो भाई, ये काफी अच्छे तरीके से काम कर रही है। अब इसको ना फटाफट से और वर्ल्ड में ट्रांसफर कर लेते हैं। एंड ये आ गई हमारी पहला इलीगल आइटम हमारे वर्ल्ड में। अभी बिल्कुल सही टाइम आपको बताने का कि मैं इस जीवन और लास्ट में आते आते तक ये और भी हार्ड होते चले जाएंगे। और लास्ट में तो कुछ ऐसे आइटम हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करते माइनक्राफ्ट में। और अब चलते हैं नेक्स्ट आइटम के लिए, जो कि है एक डर्ट। कोई नॉर्मल डर्ट नहीं, बल्कि एक फार्मलैंड। अकॉर्डिंग टू इंटरनेट, फार्मलैंड को सर्वाइवल में ऑब्टेन करना इम्पॉसिबल है। और क्या मैं इसे ले पाऊंगा? तो चलते हैं हम सबसे पहले वन ब्लॉक एट टाइम अपडेट वाले वर्ल्ड में। एंड ये वो अपडेट है जिसके अंदर हमारे प्लेयर के दोनों हाथ एग्जिस्ट करते हैं, और इसकी वजह से हम कोई भी ब्लॉक उठा सकते हैं, और यहाँ तक कि कोई भी मॉब को भी ऐसे उठा सकते हैं। सो हमें अब एक विलेज ढूंढना है और वहां से अब फार्मलैंड को उठाना है और इसे अपने हेड पे थ्रो करना है। और भाई हमारा प्लेयर कुछ अजीब ही लग रहा है, बट अब हम इसे ट्रांसफर करेंगे सीधे अपने मेन वर्ल्ड में। एंड इन सर्वाइवल मोड हमारे पास आ गया है फार्मलैंड सीधा ही। एंड नेक्स्ट आइटम होने वाला है एक एन्चांटेड गोल्डन एप्पल। एंड इसे लेने के लिए जाना पड़ेगा हमें 12W49A में। और इसे लेने के लिए हमें थोड़ा पहले भाई बेसिक ग्राइंड करनी पड़ेगी। एंड लास्ट थर्ड पार्ट जो कि है 8 गोल्ड ब्लॉक्स, क्योंकि इस वर्जन में हम क्राफ्ट कर सकते हैं एक गोल्डन एन्चांटेड एप्पल विद इन सभी के साथ। एंड नए वर्जन की तरह भाई, इस पुराने वर्जन में कोई भी गोल्ड फार्म एग्जिस्ट नहीं करता था, तो हमें भाई ये सब कुछ मैनुअली करना पड़ेगा। तो फटाफट लगते हैं, तो काफी सारा गोल्ड कलेक्ट करना है। एंड फाइनली हमारे पास काफी सारा गोल्ड हो गया, अब इसे फटाफट स्मेल्ट कर लेते हैं। और भाई चार्जिंग टेबल भी बना लिया मैंने। अब हमें एक गोल्डन एप्पल और भाई बुक को एक साथ लगाना है। एंड ये बन गया हमारा एन्चांटेड गोल्डन एप्पल। अब हमें इसको ट्रांसफर करना है अपने मेन वर्ल्ड में। और इसी के साथ हमारा एक और इलीगल आइटम हमारे वर्ल्ड में आ चुका है। एंड नेक्स्ट आइटम होने वाला है एक बैरियर ब्लॉक। और आप कहेंगे कि भाई बैरियर ब्लॉक को तो भाई सर्वाइवल में लेना इम्पॉसिबल है, पर अगर मैं जंप करूँ स्नैपशॉट 20W16A में, बेसिकली ये वो वर्जन है जिसके अंदर बेस्टियन को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। और अब हमें ढूंढना है एक बेस्टियन जिसमें भाई लावा बेस और कुछ ऐसा, और अब हमें लावा को कवर करना है। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक है बैरियर ब्लॉक, और अब ये यहाँ पर क्या कर रहा है ये मुझे भी नहीं पता। और अब मैं यहाँ पर कुछ ऐसा कंट्रैप्शन बनाऊं और इसे ट्रांसफर कर दूं वन ब्लॉक टाइम वर्ल्ड में। और अब मैं अगर इस बटन को क्लिक करता हूँ तो ये देखो हमारे हाथ में आ गया है एक बैरियर ब्लॉक। और अब हम इस ट्रांसफर करना है मेन वर्ल्ड में, और ये आ चुका हमारे सर्वाइवल में एक बैरियर ब्लॉक। और आगे के आइटम्स कलेक्ट करने से पहले मैं पहले एक वॉल्ट बना लेना चाहता हूँ, क्योंकि वहां पर मैं अपने आइटम को स्टोर कर पाऊंगा। और हर एक बोरिंग वॉल्ट की जगह अब की बार मैं बनाने वाला हूँ एक वॉल्ट जो कि बना होगा प्योर बैरियर ब्लॉक के साथ, और उसके चारों तरफ भाई लावा होगा। लावा क्यों भाई, वो काफी अच्छा लगेगा। तो फटाफट इस प्रोसेस को दोबारा से मैं कई बार रिपीट कर लेता हूँ और ले लेता हूँ इनफ बैरियर ब्लॉक। आई थिंक 5-6 स्टैक तो चाहिएंगे। The next morning. So, फटाफट से अब वॉल्ट बनाना स्टार्ट करते हैं।
एंड वोल्ट हमारा कंप्लीट हो गया है और हमने आइटम भी लगा दिए हैं, बट अब बारी आती है हमारे नेक्स्ट आइटम की, जो कि हमें मिलेगा माइनक्राफ्ट 2.0 अप्रैल फुल अपडेट में। और अब हमें थोड़ा सा ग्राइंड करना है और नेदर में जाना है। एंड एज यू कैन सी भाई, देखो इनके हाथ में ना आपको दिख रहा होगा साइन है जो कि एन्चेंटेड है, तो हमें यही लेने हैं, तो थोड़ा सा ग्राइंड करते हैं। एंड इस अपडेट के अंदर भाई 700 से ज़्यादा टाइप के ये एन्चेंटेड साइन होते हैं और भाई इसके ड्रॉप होने के चांस तो भाई और भी ज़्यादा कम है, तो फटाफट थोड़ा ग्राइंड करते हैं और लेते हैं। एंड हमारे पास आ चुके हैं टोटल 4 टाइप के साइन और इनके ऊपर भाई अच्छी खासी एन्चेंटमेंट है, तो फटाफट इनको लेके चलते हैं अपने सर्वाइवल वर्ल्ड के अंदर। एंड नेक्स्ट आइटम पे जाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अब तक हमारा एक ऑफिशियली डिस्कॉर्ड सर्वर भी है जहाँ पर आप रहकर भाई मस्ती कर सकते हैं एंड डिफरेंट टाइप ऑफ गेम्स भी खेल सकते हैं, तो जल्दी से ज्वाइन करो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। एंड नेक्स्ट आइटम होने वाला है एक सनोई ग्रास ब्लॉक, जिसको भाई बहुत कम लोगों ने कलेक्ट किया है, पर मेरे लिए ये भी मुश्किल नहीं है, तो फटाफट हम चलते हैं इनफाइनाइट डायमेंशन वाले अपडेट में और उस पर लिखते हैं स्काई ग्रिड और फेंकते हैं नेदर पोर्टल में। और ये ओपन करेगी एक ऐसी डायमेंशन जिसके अंदर होगा हर एक माइनक्राफ्ट का ब्लॉक और इसके अंदर सनोई ग्रास भी होगा, और सनोई ग्रास ब्लॉक को ढूंढना है और भाई उसको ट्रांसफर कर देना है फिर 1 ब्लॉक एट टाइम अपडेट के अंदर, और इसको उठा लेना है एंड इसको रख लेना अपने हेड पे और इसको ट्रांसफर कर देना है सीधा ही अपने मेन वर्ल्ड में। एंड सनोई ग्रास ब्लॉक भी आ गया है सीधा ही हमारे मेन सर्वाइवल वर्ल्ड में। एंड फॉर द नेक्स्ट आइटम फिर से हमें जाना पड़ेगा 3D शेवर अपडेट के अंदर और यहाँ पर हमें ढूंढना पड़ेगा पोशन ऑफ लक और इनके स्पॉन होने के चांस बहुत कम है इस बैरल के अंदर, और फटाफट से ढूंढना स्टार्ट करते हैं। और जब तक ढूंढ रहे हैं मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये 3D शेवर अपडेट माइनक्राफ्ट का एक अप्रैल फुल अपडेट ही है, जो कि भाई काफ़ी टाइम पहले आ गया था और बाद में इसको रिमूव कर दिया गया था, और इसके अंदर भाई काफ़ी ऐसे इलीगल आइटम है जो कि हम आगे भी चलकर ले सकते हैं, तो उसके लिए आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड भाई देखते ही देखते हमें भाई पोर्शन ऑफ लक भी मिल चुका है, सो फटाफट से मेन वर्ल्ड में चलते हैं। और अगर आप ये सोच रहे हो कि पोर्शन ऑफ लक का माइनक्राफ्ट में क्या काम है, तो भाई कुछ नहीं ज़्यादा काम का नहीं है, बस ये फिशिंग के टाइम काम आता है। एंड नेक्स्ट आइटम्स होने वाली है कमांड ब्लॉक्स, जो कि भाई सर्वाइवल में एज यू कैन नो कि भाई पॉसिबल है लेनी, बट अगर हम जाएं भाई इनफाइनाइट डायमेंशन के अंदर और यहाँ पर हम ढूंढे 3 माइनक्राफ्ट कमांड ब्लॉक्स, और अब यहाँ पर हम कंट्रैप्शन बनाए जैसा कि हमने भाई सीधा ही बैरियर ब्लॉक के लिए बनाया था, और फिर हम इसको ट्रांसफर करें 1 ब्लॉक का टाइम अपडेट के अंदर, और इस तरह हमारे पास आ जाएंगे 3 कमांड ब्लॉक्स। और ऑल्सो भाई स्ट्रक्चर ब्लॉक को तो मैं भूल ही गया था, इसको भी ले लेते हैं। और इसी के साथ मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारा भाई नॉर्मल फेस भी कंप्लीट हो चुका है, अब बारी आती है भाई सबसे हार्ड फेस की, तो इसमें पहला आइटम होने वाला है एक नेदराइट बूट। अब आप पूछेंगे कि भाई नेदराइट बूट भाई इलीगल कैसे हो सकता है, हो सकता है क्योंकि इस पे है माइनस ड्यूरेबिलिटी, बट हमें ये लेने से पहले हमें क्राफ्ट करना पड़ेगा भाई एक नेदराइट बूट, तो फटाफट से भाई कुछ बेस्ट से लूटते हैं और उससे लेते हैं थोड़े से एंसेंट डेब्री और पिगली से ट्रेड करते हैं सोल स्पीड 3 की बूट। और हमारा नेदराइट बूट बन चुके हैं और अब हमें डाउनग्रेड करना है अपने वर्ल्ड को 20W11A में, और हमें क्या करना है, सिर्फ हमें चलना है सोल सैंड के ऊपर और हमारे बूट्स की ऑटोमेटिकली ड्यूरेबिलिटी भाई लो होने स्टार्ट हो जाएगी और एक टाइम के बाद ये पहुंच जाएगी माइनस के अंदर। एंड सोल सैंड के ऊपर चलते हैं और लेते हैं भाई ये ड्यूरेबिलिटी वाले, एंड ये देखो भाई हमारे बूट्स की ड्यूरेबिलिटी भाई माइनस में हो गई है। अब इसको लेके चलते हैं सीधा ही अपने मेन वर्ल्ड के अंदर। अब आर्मर तो कलेक्ट कर ही रहे हैं, तो अब ऐसा आर्मर कलेक्ट करने वाले हैं जो कि माइनक्राफ्ट का सबसे अनयूजुअल आर्मर होने वाला है, सो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा बीटा प्री रिलीज 3 में और कलेक्ट करना पड़ेगा थोड़ा बेसिक मटेरियल और 29 डायमंड्स, और मेरे पास इतने डायमंड नहीं है, तो मैं आपसे थोड़ी देर में मिलता हूँ। सो फाइनली मुझे मिल चुके हैं काफ़ी सारे डायमंड्स, और अब हमें स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर यहाँ पर FK करना है जब तक हमारी इनफ एक्सपी नहीं हो जाती। अब हमारे पास इनफ एक्सपी हो गई है, तो हमें एन्चेंट करना है अपना आर्मर। अब मुझे क्राफ्ट करना है एक फुल सेट ऑफ आर्मर,
और एक एन्चेंटिंग टेबल। अगर आप अब देखोगे तो इसके ऊपर सिर्फ एन्चेंटमेंट है, वो भी लिखा हुआ है सिर्फ एन्चेंटेड। बट मैं अगर इसे अपडेट करता हूँ बीटा प्रीलीज 1.4 के अंदर और ऑटोमेटिकली ये आर्मर बन जाएगा सीधा ही फीदर फॉलिंग का, और इसे भी फटाफट अपने मेन वर्ल्ड में ट्रांसफर कर लेते हैं। एंड नेक्स्ट आइटम एक ऐसे आइटम होने वाली जो कि आज तक किसी ने सर्वाइवल में ली भी नहीं होगी, तो उसके लिए हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा वन ब्लॉक एट टाइम अपडेट के अंदर और बीट करना पड़ेगा माइनक्राफ्ट को। सो एक चिकन को पकड़ते हैं और भाई ढूंढते हैं एक रुइन पोर्टल। और अब हमें ढूंढनी एक नेदर फोर्ट्रेस, क्योंकि इस अपडेट के अंदर चेस्ट के अंदर होता है एंड पोर्टल फ्रेम। और जैसे ही मैं इस पोर्टल को रखता हूँ और हमारा पोर्टल लाइट अप हो गया है, अब फटाफट से चलते हैं एंड में। एंड एज यू कैन सी भाई यहाँ पर एंडरमैन हर एक टाइप के अलग अलग आइटम पकड़े हुए हैं, तो कुछ देर वेट करते हैं जब तक वो आइटम स्पॉन नहीं हो जाती। एंड ये देखो ये है एक प्लेयर हेड जो कि मैं लेने आया हूँ, जो कि आज तक किसी ने लिया नहीं है। और हमें राइड करना है एंडर ड्रैगन की वॉइड के ऊपर से, और एंडर ड्रैगन हमें लेके आ जाएगा ओवरवर्ल्ड के अंदर, क्योंकि इस वर्जन में हम ऐसा कर सकते हैं। और अब हमें इसको सीधा ट्रांसफर कर लेना अपने मेन वर्ल्ड के अंदर। एंड ये आज का हमारे पास एक प्लेयर है माइनक्राफ्ट सर्वाइवल में, टी वेड तो हमारे पास आ चुका है। अब बढ़ते हम अपने नेक्स्ट इलीगल आइटम की तरफ जो कि है एक मिल्क, कोई नॉर्मल मिल्क नहीं बल्कि एक ऐसा मिल्क जो कि हमें मिलेगा स्पीड से। हाँ भाई ऐसा पॉसिबल है, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा माइनक्राफ्ट वर्जन 1.2 में। इसके लिए हमें थोड़ा सा ग्राइंड करना पड़ेगा, आयरन को स्मेल्ट करना पड़ेगा और एक बकेट बनानी पड़ेगी। अब हम जैसे स्क्विड के ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखो भाई हमारे बकेट में आ चुका है स्क्विड का मिल्क, और इसको सीधा ही अपने मेन वर्ल्ड पे लेके चलते हैं और लगा देते हैं। अब लास्टली हम भाई सिर्फ दो आइटम बचती हैं जो कि भाई सबसे मुश्किल है। एक तो ऐसी आइटम है जिसका कोई नाम ही नहीं है, और दूसरी है एक ऐसा पोर्शन जिसको क्राफ्ट नहीं किया जा सकता। तो स्टार्ट करते हैं विद नेमलेस आइटम से जो कि हमें मिलेगी 12W41A में। किसी भी रैंडम आइटम की जगह मैं यूज करूंगा म्यूजिक डिस्क का, और सबसे पहले हम बेसिक मटेरियल बना लेते हैं और एनिमल के लिए भी आयरन कलेक्ट कर लेते हैं। और मुझे म्यूजिक डिस्क के लिए भाई क्रीपर को स्केलेटन से शूट करवाना पड़ेगा। एंड हमें म्यूजिक डिस्क मिल चुकी है, अब हम इसको नेमलेस कर लेते हैं। एंड ऐसे बन चुके हैं हमारे इलीगल आइटम जो कि भाई नेमलेस है, एंड इसे ही फटाफट अपने मेन वर्ल्ड में लेके चलते हैं। नो नेम आइटम्स भी हो चुकी है, और अब बारी आती है हमारे लास्ट इलीगल आइटम की जो कि है एक अनक्राफ्टेबल पोर्शन जिसको मैं 3D शेयरवेयर अपडेट से लेना भूल गया था। तो फटाफट से अब वहां चलते हैं और लेके आते हैं। और ये रहा भाई हमें मिल गया, एंड इसको लेके चलते हैं अपने ओवरवर्ल्ड में फटाफट से। एंड इसी के साथ हमारे पास आ चुकी है सभी इलीगल आइटम जो हमें कलेक्ट करनी थी, और भाई इन सबको कलेक्ट करने में भाई पूरी हालत खराब हो गई है भाई, कितनी बार ग्राइंड करना पड़ा दोबारा से। बट अब आप हमारी इस मेहनत को वसूल करा सकते हो सिर्फ वीडियो को लाइक करके और एक प्यारा सा कॉमेंट करके, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती रहेगी ऐसी धमाकेदार वीडियो बनाने की। और आल्सो भाई एक हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर ले। तो गाइज मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ। सो ये है एक ऐड पोर्टल माइनक्राफ्ट की सबसे बेस्ट आइटम्स में से एक, और जब से माइनक्राफ्ट में इसको ऐड किया गया है जब से इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। बट मैं आज इस ऐड पोर्टल को बनाने जा रहा हूँ माइनक्राफ्ट के सबसे इलीगल ब्लॉक के साथ। सो इस प्रोसेस को हम टोटल 3 पार्ट्स में करने वाले हैं, सबसे पहले इजी, फिर हार्ड, और लास्ट में भाई वो ब्लॉक होने वाले जिनको सर्वाइवल में कलेक्ट करना इम्पॉसिबल है। तो स्टार्ट करते हैं विद इजी ब्लॉक्स। तो फर्स्ट ब्लॉक होने वाला हमारा लिए माइसिलियम, भाई मैंने कलेक्ट भी कर लिया इसी के साथ।
तो ये हमारा हो गया पहला ब्लॉक। अब आती है भाई दूसरे ब्लॉक की बारी, जो कि होने वाला है डीप स्लेट एमरल्ड ओर। आप इस ग्राफ के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि भाई इसके कितने रेयर चांस होते हैं। तो फटाफट ढूंढते हैं डीप स्लेट एमरल्ड ओर को। और इसी के साथ हमें डीप स्लेट एमरल्ड ओर भी मिल चुका है, जो कि भाई काफी रेयर ब्लॉक माना जाता है माइनक्राफ्ट में। बट अब बारी आती है हमारे नेक्स्ट ब्लॉक की, जो कि हमें नेदर से मिलेगा, जो कि था लॉर्डस्टोन। क्योंकि मैं इसे क्राफ्ट नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने इसे और नेदर से लूंगा, जो कि बेस्टियन में मिलता है ऑलमोस्ट। फटाफट चलते हैं, थोड़े फायर एस्केप पोशन बनाते हैं और फिर चलेंगे हम भाई सीधा ही। सब नेदर में भी आ गए हैं, अब फटाफट ढूंढना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैंने जाता भाई में। सो फाइनली हमें भाई कितनी बेस्ट चीज ढूंढनी पड़ी और अब जाके लॉर्डस्टोन मिला है। अभी से भाई ये इतने ही रेयर होने लग गए, तो आगे देखो भाई कितना रेयर सामान मिलने वाला है। और लास्ट में तो हम वो आइटम लेने वाले हैं जो कि भाई इम्पॉसिबल है लेना सर्वाइवल में। सो आपको लाइक करते हैं अपना नेक्स्ट आइटम, जो कि है एक बीकन। तो बीकन बनाने के लिए हमें चाहिए भाई विदर स्टार, और विदर स्टार भाई तब मिलता है मगर किसी विदर को मारे। और विदर को भाई समन करने के लिए हमें चाहिए भाई विदर स्केलेटन हेड। तो फटाफट चलते हैं और भाई विदर स्केलेटन को मारना स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद हम भाई विदर को भी डिफीट करेंगे, अब क्राफ्ट करेंगे अपने लिए एक बीकन। अब फटाफट क्राफ्ट करते हैं भाई बीकन, और अब भाई हमारे पास एक और आइटम आ चुका है। अब बारी आती है हमारे इजी फेस के लास्ट ब्लॉक की, जो कि है एक स्कल कैटलिस्ट। वैसे स्कल कैटलिस्ट को लेना आसान होता है, लेकिन मैं इस टास्क को डिफिकल्ट करने के लिए वार्डन को मार के स्कल कैटलिस्ट लूंगा, ताकि मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट भी हो जाए। तो फटाफट चलते हैं भाई एंशिएंट सिटी में और भाई मारते हैं वार्डन को। और ये भी आ गया, और इसके साथ हमारा भाई इजी फेस कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट फेस में चलने से पहले हम इन सब को पहुंचाते हैं अपने पोर्टल पर। सबसे पहले हम इन एंड पोर्टल को हटा देते हैं, ताकि हम यहाँ पर रख पाए अपने ब्लॉक्स को। अब फटाफट प्लेस करते हैं अपने सारे ब्लॉक्स को। इजी फेस कंप्लीट हो गया हमारा, अब बारी आती है भाई हमारे हार्ड फेस की। तो उसके में सबसे पहला ब्लॉक होने वाला है नेदराइट ब्लॉक, जो कि क्राफ्ट करने में भाई बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। बट मेरे पास भाई ऑलरेडी आप जानते हैं नेदराइट इंगट है भाई, मैंने इतनी माइन किया है और अभी भी लूट करते टाइम भी मुझे काफी सारे वो मिल गए थे। तो फटाफट एक क्राफ्ट करते हैं नेदराइट ब्लॉक।
वीडियो के लास्ट में हमें अगर बेडरॉक लेना है तो भाई उससे पहले हमें चलना पड़ेगा माइनक्राफ्ट के ओल्ड वर्जन बीटा 1.93 रिलीज 3 में, ताकि हम वहां से ले सके कुछ इलीगल ब्लॉक्स। बट उससे पहले थोड़ा गियर अप कर लेते हैं और थोड़े बेसिक टूल्स बना लेते हैं। इसके बाद भाई मैंने थोड़े से डायमंड भी उप किए ऑल्ट F4 ग्लिच का यूज करके। आप सर्च कर सकते हो कि भाई ये ग्लिच क्या होता है। और इसके बाद भाई मैंने अपने लिए आर्मर बनाया और अब भाई मेरे थोड़े से भाई TNT और गन पाउडर बनाए और चल दिए स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरफ। आप अभी सोचेंगे कि भाई मैं इतने पुराने वर्जन में भाई स्ट्रॉन्ग होल्ड को कैसे ढूंढूंगा बिना यो फेंडर और ब्लेजर उठ गए। तो भाई नोच ने भाई पुराने अपडेट्स में ऐड कर दिए थे ये ग्लास के पिलर्स, जो कि आप देख सकते हो इन ग्लास पिलर के एग्जैक्ट नीचे है स्ट्रॉन्ग होल्ड। तो हमें सीधा ही वहाँ पर जाना है और वहाँ पर हमें मिल जाएगा हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड। वहाँ पर चलते हैं भाई। ये जो ब्लू कलर के वो है ना बॉक्सेस, ये हमारे भाई स्ट्रॉन्ग होल्ड के पोर्टल्स। पुराने अपडेट में भाई कुछ ऐसे दिखते थे लेकिन अब इनके टेक्सचर चेंज होके अलग हो गया है। तो फटाफट भाई यहाँ पर TNT लगाते हैं और भाई ये ब्लास्ट करते हैं इसको। एंड ये है भाई हमारे पोर्टल्स जो कि हमारे हाथ में आ चुके हैं। अब इनको लेके चलते हैं अपने घर पे और वहाँ पर भाई Alt F4 का यूज करके भाई इसको वीडियो करते हैं। एज यू कैन सी भाई हमारे पास देखो भाई कितने सारे पोर्टल हो चुके हैं। अब चलते हैं भाई बीटा प्री-रिलीज 4 में, क्योंकि अब हमें चाहिए भाई मॉब का स्पॉनर। अब चाहिए हमें बहुत सारी XP क्योंकि हमें भाई एक सील्ड डस्ट की पिकेक्स चाहिए, क्योंकि हम इस अपडेट में हम सील्ड डस्ट के साथ माइन कर सकते हैं मॉब स्पॉनर को। तो भाई इसके लिए थोड़ा XP ग्राइंड करते हैं हमारे मॉब फॉर्म से जो कि मैंने अभी अभी बनाया है। तो फटाफट यहाँ पर ये FK हो जाते हैं। अब भाई इस पिकैक्स को भाई वापस रखते रहते हैं और तब तक भाई करते हैं जब तक हमें 32 लेवल के करीब की एन्चेंटमेंट नहीं मिल जाती, और 32 लेवल के आसपास ही हमें मिल जाएगी सिल्क टच। और भाई हमें सिल्क टच मिल चुकी है। अब फटाफट चलते हैं और स्पॉनर को माइन करके आते हैं। प्री रिलीज 4 में Alt F4 ग्लिच काम नहीं करता, इसके लिए हमें कुछ इस टाइप का सेटअप बनाना पड़ता है। तो फटाफट यहाँ से भाई स्पॉनर्स को ड्यूप करना स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमें XP आगे भी जरूरत पड़ने वाली है और हमें स्पॉनर से स्पॉन होने वाले मॉब से भाई XP मिल जाएगी। ये हो गया भाई ड्यूप। अब फटाफट क्या करते हैं थोड़ा से XP ग्राइंड करने लग जाते हैं। हमारे नेक्स्ट आइटम के लिए हमें जाना पड़ेगा अगले अपडेट में जो कि SNF 12W49 है। इस अपडेट के अंदर हम एक सिंपल से डायमंड ब्लॉक को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं एन्चेंटेड ब्लॉक ऑफ डायमंड में, या कोई भी ब्लॉक को उसको हम एन्चेंट कर सकते हैं मेनली। तो फटाफट भाई अपने XP का यूज करके एक एन्चेंटमेंट लेते हैं और भाई उसको उस ब्लॉक पर लगाते हैं। तो भाई हमें बेड रॉक लेना है। बट भाई ये देखो कुछ अपडेट पहले भाई मैंने कुछ स्लैब्स बनाई थी अपने काम के लिए। देखो भाई इसका अजीब सा टेक्सचर हो गया भाई, पता नहीं ये किस चीज में कन्वर्ट हो गई है। बट खैर इनको रखते हैं संभाल के, भाई ये भी कोई अपना इलीगल ब्लॉक बन जाएगा तो इसको भी रखते हैं साथ में। तो अब फोकस करते हैं भाई एंडर ड्रैगन को मारने पे और चलते हैं भाई एंडर ड्रैगन को मारने के लिए मटेरियल कलेक्ट करने। अब थोड़े सी गास्ट के लिए हमें गास्ट को मारना पड़ेगा, उसके बाद ही हम आगे काम कर सकते हैं।
सो एंडर ड्रैगन ही तो भाई मार दिया है। अब भाई यहाँ से भाई पहले तो ये ड्रैगन एग उठा लेता हूँ, क्योंकि ड्रैगन एग भी ना हमारे पास दो हो जाएंगे, जो कि एक तरफ से सोचे तो भाई इलीगल हो जाएगा, क्योंकि एक वर्ल्ड में सिर्फ एक ही ड्रैगन एग होता है, लेकिन अब हमारे पास दो हो सकते हैं, इसीलिए मैं भाई ड्रैगन एग को भी लेके जाऊंगा। भाई मैं आ चुका हूँ भाई वर्ल्ड के स्पोन पे, क्योंकि एट द एंड जो हम बेडरॉक लेने वाले हैं वो यहीं पर स्पोन होने वाला है, मतलब यहीं पर आएगा वो एंड से डायरेक्ट ही, तो हमें सीधा यहीं पर आना है उसके बाद। तो भाई सबसे पहले मैं इस एरिया को मार्क आउट कर देता हूँ, तब फटाफट चलते हैं एंड में और भाई वहाँ पर ड्रैगन को भाई इसको समन करते हैं, लेकिन उसको समन होने नहीं देना, उससे पहले उसकी प्रोसेस को तोड़ देना है ताकि वो समन भी ना हो और भाई वहाँ से बेडरॉक टूट के ओवर वर्ल्ड में आ जाए। तो देखो भाई यहाँ से अब बेडरॉक टूट चुकी है ऊपर से, तो फटाफट चलते हैं ओवरवर्ल्ड में, अब देखते हैं भाई। और भाई ये देखो भाई बेडरॉक भाई स्पॉन पे आ चुकी है, और इसी के साथ भाई हमारा इलीगल ब्लॉक जो कि था एक बेडरॉक आ चुका, और इसके साथ हमारा सेकंड फेज भी कंप्लीट हो जाता है। अब इन सभी ब्लॉक को ले चलते हैं भाई अपने मेन वर्ल्ड में, और वहाँ पर भाई देखते हैं एंड लुक एट दैट भाई हमारे मेन वर्ल्ड में। ये देखो भाई सभी इलीगल ब्लॉक आ चुके हैं, और भाई ये स्लैब भी आ चुके हैं, लेकिन भाई ये स्लैब का नाम देखो भाई क्या है, पेट्रीफाइड ऑक स्लैब है भाई, जो कि माइनक्राफ्ट सर्वाइवल में लेनी पॉसिबल है। तो भाई अब फटाफट इन सब को लेकर चलते हैं अपना भाई मेन वर्ल्ड है जहाँ पर, अब फटाफट इन ब्लॉक को भी प्लेस कर देते हैं, और इसके साथ हमारा फेज टू कम्प्लीट। अब बारी आती है भाई लास्ट फेज की, जो कि भाई सबसे इलीगल फेस होने वाला है, क्योंकि इसमें हम वो ब्लॉक कलेक्ट करने वाले हैं जो कि भाई आज तक किसी ने माइनक्राफ्ट सर्वाइवल में कलेक्ट ही नहीं किए, जो कि है कमांड ब्लॉक और एक स्ट्रक्चर ब्लॉक। तो कमांड ब्लॉक कलेक्ट करने के लिए हमें एक स्पेशल टाइप की मशीन की बनाने की जरूरत है, जिसके लिए हमें छोटी सी ग्राइंडिंग करने की जरूरत पड़ेगी, तो फटाफट ग्राइंडिंग करते हैं। हमें भाई एक डिस्पेंसर और कुछ स्लैब की जरूरत पड़ेगी उसके लिए, तो फटाफट ये क्राफ्ट कर लेते हैं। अब हमें चलना है इनफाइनाइट डायमेंशन में, और अभी यहाँ पर बनाना हमें वो कॉन्ट्रैप्शन। अब इन चंक्स को ऑपरेट करना है हमें वन ब्लॉक एट टाइम अपडेट में, ताकि हम इनको ले इसके अपने हेड पर। और भाई ये देखो हमारे हेड पर आ चुके हैं। अब भाई इन दोनों ब्लॉक्स को ट्रांसफर करना है अपने मेन वर्ल्ड में, और ये देखो भाई हमारे इस माइनक्राफ्ट सर्वाइवल में आ चुके हैं कमांड ब्लॉक एंड स्ट्रक्चर ब्लॉक दोनों। अब फटाफट इन दोनों ब्लॉक को प्लेस कर देते हैं। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आई नो कि भाई आपको वीडियो काफ़ी पसंद आ रही है, तो इसलिए वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी धमाकेदार वीडियो आएंगी। अब चलते हैं लास्ट ब्लॉक की तरफ, जो कि इस फेस का सबसे इलीगल ब्लॉक होने वाला है, जो कि है बैरियर ब्लॉक। तो भाई बैरियर ब्लॉक को लेने के लिए हमें चलना पड़ेगा 20W60 नेम में, और बैस्टियन के एक लावा के पुल में मैं नहीं जाता कि भाई कैसे यार, लेकिन यहाँ पर एक बैरियर होता है जिसका किसी को पता नहीं है, तो हम यहाँ से हम बैरियर ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस लावा को कवर कर देंगे ताकि आप पर लावा वगैरह तंग ना करें। अब भाई इस चंक को ट्रांसफर कर लेंगे हम वन ब्लॉक एट टाइम अपडेट में दोबारा, और वहाँ से हम ट्रांसफर कर लेंगे इस पूरे अपने बैरियर को हेड पर और सीधा ही अपने मेन वर्ल्ड में। फाइनली हमारा बैरियर भी हमारे भाई ओवरवर्ल्ड में आ चुका है, और भाई ये सबसे लास्ट आइटम था हमारे भाई सब इम्पॉसिबल आइटम्स में से एक,
जो कि भाई आज तक किसी सर्वाइवल में कलेक्ट नहीं किया है, लेकिन तुम्हारे भाई ने आज कलेक्ट कर ली। तो भाई इसको भी फटाफट रख के आते हैं अपने एंड पोर्टल पर। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा बन चुका है सबसे इलीगल एंड पोर्टल। तो भाई ये काफी इलीगल बन चुका है पोर्टल, क्योंकि इसमें हर एक प्रकार की इलीगल आइटम्स लगी हुई है जिसको माइनक्राफ्ट में कलेक्ट करना इम्पॉसिबल है। तो भाई अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। बहुत से लोग सोचते हैं माइनक्राफ्ट में प्रोटेक्शन 4 का आर्मर सबसे बेस्ट होता है, होता है, लेकिन इस सर्वाइवल वर्ल्ड में मुझे इतने दिन हो गए खेलते खेलते और मैं नहीं चाहता भाई कहीं पर मैं मर जाऊं। और काफी रिसर्च के बाद मुझे पता चला कि कैसे हम अपने आर्मर को बना सकते हैं और भी खतरनाक से। मेरा मतलब है कुछ गेम ब्रेकिंग एन्चेंटमेंट्स, इनफिनाइट वाटर ब्रीथिंग और एक सेल्फ टेलीपोर्टर। मैं मजाक नहीं कर रहा, इसलिए मैं सारे स्टेप को कम्प्लीट करता हुआ एक खतरनाक आर्मर बनाने वाला हूँ ताकि मैं कभी ना मरूं। तो सबसे पहले मैं चाहिए रेगुलर डायमंड आर्मर, तो मैंने डिसएन्चेंट करके ले लिया है। सो हमारा फर्स्ट स्टेप है इस डायमंड आर्मर के ऊपर इलीगल एन्चेंट लेना, जिसका मतलब है हर एक टाइप की प्रोटेक्शन एन्चेंटमेंट लेना, जिसमें फायर प्रोटेक्शन, प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन, ब्लास्ट प्रोटेक्शन, फीदर फॉलिंग और प्रोटेक्शन सभी आती हैं। अब आप लोग ये कहेंगे कि हम प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन और सिर्फ प्रोटेक्शन को भी एक साथ नहीं लगा सकते, तो फिर मैं ये करूंगा कैसे? तो इस चीज को करने का एक सीक्रेट वे है और वो सिंपल भी है। तो सबसे पहले हमें भाई ये सभी टाइप की हमें कलेक्ट करनी है जो कि हमारे आर्मर पर लगने वाली है। सो फटाफट अपने विलेज ट्रेडिंग हॉल से ये सभी बुक खरीद लेते हैं, क्योंकि भाई वो मैंने बनाया इसलिए ही तो था। तो लाइट हमें सभी बुक मिल चुकी है, अब हमें एक्सपी की जरूरत है। और आप जानते हो कि भाई मैं काफ़ी एपिसोड से एक्सपी कलेक्ट कर रहा था इसी दिन के लिए, तो फाइनली हमारे पास एक्सपी भी इनफ है। अब थोड़े एनविल क्राफ्ट कर लेते हैं, क्योंकि एनविल की हमें ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है। भाई आयरन तो अनलिमिटेड है ही, एक्स्ट्रा की क्राफ्ट कर लेते हैं, ऐसा करते हैं। तो सब कुछ हो चुका है, अब आप पूछोगे भाई अब मैं इसको कैसे करने वाला हूँ, जबकि माइनक्राफ्ट में सिर्फ एक प्रकार की प्रोटेक्शन लगा सकते हैं। तो करीबन 3 साल पहले माइनक्राफ्ट में एक फीचर था जिसके कारण हम लगा सकते थे एक आर्मर पर सभी टाइप की प्रोटेक्शन। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा 1.14 में। सो इस प्रोसेस को करने के लिए हमें सबसे पहले अपने वर्ल्ड को करना पड़ेगा 1.14 में, फिर वहां पर सभी एन्चेंटमेंट लगाने के बाद वापस हमें अपना वर्ल्ड करना पड़ेगा 1.20 में। आपको ये सुनने में तो काफ़ी इजी लग रहा होगा, लेकिन इतना इजी है नहीं, क्योंकि अगर हमने थोड़ी सी गड़बड़ की तो हमारा पूरा वर्ल्ड करप्ट हो सकता है और जितने भी आज तक मैंने बिल्ड बनाए हुए सभी खराब हो सकते हैं। तो फटाफट चलते हैं नेदर में काफ़ी दूर, और काफ़ी दूर जाकर वहाँ पर बनाते एक पोर्टल ताकि हम बिल्कुल ब्रांड न्यू चंक्स में जाएं और हमारे यहाँ के वर्ल्ड्स को कुछ भी ना हो पाए। हम काफ़ी दूर आ चुके हैं, अब भाई फटाफट यहाँ पर पोर्टल बनाते हैं। अब सारा नेदराइट का सामान इस चेस्ट में रख देते हैं, क्योंकि उस टाइम नेदराइट एग्जिस्ट नहीं करता था। अगर मैं इन सामान को लेकर चला गया तो सारा सामान चला जाएगा। सो अब क्विट करते हैं और गेम को लॉन्च करते हैं 1.14 में। मैं लॉगिन कर रहा, बस मेरा वर्ल्ड करप्ट ना हो, और बस सही है, सब कुछ सही है। अब फटाफट सारे उसमें जेट लगाना स्टार्ट करते हैं। मैं एक साइट का यूज कर रहा हूँ जिसमें एग्जैक्ट वही एन्चेंटमेंट का बताया गया है जो मुझे लगानी है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। अगर मैं गलत वे में एन्चांट करूंगा तो सारी एक्सपी बर्बाद हो जाएगी और मैं हर एक एन्चांटमेंट लगा नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं इसको यूज कर रहा हूं। और इट्स वर्थ, भाई सभी एन्चांटमेंट्स हमारे आर्मर पर लग चुकी है। अब फटाफट चलते हैं 1.20 वाले वर्ल्ड में इसको आर्मर को लेके, और भाई 1.20 में आ चुका हूं। बस इसमें स्विफ्ट स्निक और सोल स्पीड नहीं है, तो फटाफट जाके वो लगाते हैं अपने बेस पे, उसके बाद चेक करते हैं भाई कितना खतरनाक आर्मर हो चुका है। एंड एज यू कैन सी भाई, देखो इस पर कोई असर भी नहीं हो रहा भाई, इतना खतरनाक आर्मर हो चुका है। और इस पर हर एक टाइप की एन्चेंटमेंट आ चुकी है जो कि अब के टाइम में बिल्कुल पॉसिबल भी नहीं है। बेस्ट आर्मर बनाने में पहले 5 स्टेप में से पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी भी ये खत्म नहीं है, क्योंकि हमें अपने आर्मर सेट को पूरा भाई और भी खतरनाक बनाना है। और लास्ट में हम टेलीपोर्टेशन भी यूज करने वाले हैं, और हमारा सेकंड स्टेप होने वाला है इस आर्मर के ऊपर लगाना सबसे रेयर आर्मर ट्रिम डिजाइन। एंड मेरे पास सभी टाइप के आर्मर ट्रिम तो है, पर मेरे पास इनोफेंस एंड डेब्रिस नहीं है। तो फटाफट चलते हैं नेदर में और भाई माइन करना स्टार्ट करते हैं।